झुंझुनू में सभा के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि किसान और जवान की धरती मुझे यहां आकर गर्व, देश की रक्षा के लिए शहीद होने वाले सैनिक झुंझुनू की धरती से आज पेंशन योजना की राशि यहां की धरती से लाभार्थियों के खाते में पहुंची। इस राशि से लाभार्थी अपनी बुनियादी आवश्यकता पूरी कर पाएंगे। इससे हमारे बुजुर्ग, विशेष योगजन, विधवा सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे। समाज की अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को लाभ पहुंचाना पीएम का मूल मंत्र। हमारी सरकार के हर तबके के व्यक्ति को सशक्त बनाने का प्रयास कर रही। आने वाले समय में हम चरणबद्ध तरीके से और बढ़ोतरी का काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम ने सीधे खाते में पेंशन डालने की व्यवस्था की। अनुप्रति योजना में छात्रों को निशुल्क कोचिंग दी जा रही। हमारी सरकार सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा को कम नहीं होने देगी। सरकार ने 1 जनवरी से 400 रुपए में गैस सिलेंडर 73 लाख महिलाओं को देने का काम किया। बहुत जल्द पीएम किसान सम्मान निधि की राशि आपके खाते में पहुंचेगी। यमुना का पानी सीकर, चूरू और झुंझुनू की धरती को मिलेगा। 70 साल में देश की जनता को झूठे वादे के अलावा कुछ नहीं मिला। ऐसे लोगों से आने वाले समय में सावधान रहना होगा। यहीं से पीएम ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। हवाई पट्टी पर झुंझुनू जिले के भाजपा नेताओं की ली बैठक। झुंझुनू में होना है विधानसभा उपचुनाव तैयारी को लेकर हो रही कोर ग्रुप की बैठक। सीएम भजनलाल शर्मा के साथ प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत सहित जिले के सभी जनप्रतिनिधि मौजूद। सभा के दौरान भाजपा नेताओं की गुटबंदी भी साफ नजर आई। जहां भीड़ तंत्र को रोकने में भी नाकाम दिखे, वहीं जिला प्रशासन भी कमजोर दिखाई दिया। प्रशासन की व्यवस्थाएं भी सही दिखाई नहीं दी, जिससे आमजन को काफी समस्या का सामना करना पड़ा। महिलाएं गुस्से से सभा स्थल से निकल गईं। मुख्यमंत्री के संबोधन से पहले ही आपको प्रणाम करता हूं। मैं विराज ने सम्मानित सभी अतिथिगण और वरिष्ठजनों को मैं देख रहा हूं, जिस तरह का प्यार और दुलार आप दे रहे हैं, निश्चित रूप से आपने जिस तरह से प्यार और दुलार दिया, उसके लिए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। ये झुंझुनू जवानों और किसानों की पावन भूमि है। झुंझुनू में आकर मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि झुंझुनू से आज हमारे उन सभी बुजुर्गों को, हमारे उन प्रत्यक्षा बहनों को, विधवाओं को और पेंशनरों को, जो यहां से पूरे राजस्थान के 88 लाख लोगों को जो पेंशन गई है इस पावन भूमि से, क्योंकि ये पावन भूमि या हमारे जवान की और किसान की धरती है। झुंझुनू एक ऐसी धरती है जहां सैनिकों का, जिस तरह से पूरे देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा सैनिक किसी जिले में है तो वो जिला झुंझुनू जिला है हमारा। यह समय समय पर हमारे यहाँ के जवानों ने भारत माँ की रक्षा के लिए, भारत माँ के रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए यहाँ हमारे जो सैनिक है, सबसे ज्यादा शहीद होने वाले भी मातृभूमि को, तो शहीद होने वाले सबसे ज्यादा अगर सैनिक है तो वो झुंझुनू की धरती भी है। मैं ऐसी धरती को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और ऐसे उन सभी सैनिकों को भी मैं प्रणाम करता हूँ और जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित में करता हूँ। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ, मुझे आज गर्व होता है कि हमारे वरिष्ठ एकल नारी, विधवाओं, दिव्यांगजनों, जरूरतमंदों को एक कल्याण का काम आपकी झुंझुनू की धरती से हुआ है। हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का दायरा बढ़ाया है, पेंशन में हमने बढ़ोतरी की थी। चुनाव के समय हमारा संकल्प पत्र जो था, और हमने संकल्प पत्र में वादा किया था कि हम आपकी पेंशन बढ़ाएंगे, वो वादा हमने पूरा किया है। 1000 से हमने 1150 रुपए पेंशन देने का काम किया है। आज ये पेंशन राजस्थान के एक एक गांव में, एक एक गरीब के पास आज इस पेंशन का हस्तांतरण हुआ है। मुझे खुशी है कि 88 लाख से अधिक पेंशनरों के बैंक खाते में 1037 करोड़ रुपए से अधिक आज उनके खाते में गए, और वो खाते में झुंझुनू की धरती से गए। और अभी आप देखेंगे आपके मोबाइल में आवाज भी आ गई होगी कि आप निश्चिंत रहिए, आपकी पेंशन आपके खाते में आ गई है। आज के इस कार्यक्रम के जरिए
सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाया गया है। बढ़ी हुई पेंशन राशि से लाभार्थी अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सकेंगे, उन्हें आर्थिक रूप से संबल मिलेगा, वे आत्मनिर्भर बन पाएंगे। कोई समाज कितना विकसित और सभ्य है, इसका पैमाना यह है कि समाज में निर्बल वर्ग को कितनी अहमियत देते हैं, उनकी हिफाजत किस प्रकार से की जाती है। जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है उसकी चिंता आवश्यक है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, अगर समाज में बुजुर्गों को, दिव्यांगों को, निराश्रितों को, महिलाओं का जीवन अच्छा अगर होगा तो हमारे समाज का जीवन अच्छा होगा, हमारे देश का जीवन अच्छा होगा। यह सम्मान पूर्वक जीवन जीते हैं जो समाज के विकसित और सबको कहलाने के हकदार होते हैं। हमारा